नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम शुद्ध क्रिया सेक्टर में कुछ चीजें आपको बताएंगे, जैसे जल नीति, रबर नीति, द्योतकर्म शोधकर्म, इसके साथ साथ वस्त्र धोती कैसे करते हैं, कैसे हमारे नौज की सफाई, हमारे आहार नाल की सफाई, हमारे अंदर का जो पित्त रहता है कैसे बाहर आता है, वस्त्र धोती के माध्यम से हम आपको बताएंगे आज। आप भी करिए, स्वस्थ रहिए और फिट रहिए। स्वस्थ रहेंगे हमारा वेट मेंटेन रहता है इससे, इसके साथ साथ आपकी त्वचा शुद्ध रहती है, हमारा पूरा शरीर शुद्ध रहता है। इसको करने से भाग दौड़ भरी दुनिया में प्रदूषण ही प्रदूषण है चारों तरफ। तो जब भी आपको टाइम मिले, छुट्टी के दिन या जब भी टाइम मिले, सुबह या शाम खाली पेट करना जल नीति। पहले हम जल नीति करके बताएंगे कैसे करते हैं। मार्केट में आसानी से आपको ये पॉट मिल जाता है, गुनगुना पानी हल्का, उसमें नमक मिलाते हैं, मीठा कर लेते हैं और उकड़ो बैठ जाते हैं। आप घुटने के बल आराम से खड़े होकर भी कर सकते हैं, हल्का डाउन होकर हम सामने पॉट रख के और बैठ के करेंगे। सामने पॉट रखेंगे जिससे कि हम जो भी पानी नाक से डाल रहे हैं, दूसरे नाक से जो भी पानी निकल रहा है उस पॉट में ले और ऐसे पानी लेते हैं। और पानी लेने के बाद सिर को हल्का डाउन करते हैं और नाक में इसको सेट करते हैं। धीरे धीरे अपने आप यह ध्यान रखना है, बिल्कुल आराम से करते हैं, किसी प्रकार के जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेफ्ट नोज से अगर पॉट को लगाए, राइट नोज से अपने आप पानी घूम के वायल से होते हुए वापस आएगा। श्वास नाक से स्लोली स्लोली श्वास लेंगे, ऐसे दूसरे नाक से करते हैं। ये पानी डाला और दूसरे नाक से करने के लिए सिर को हल्का डाउन कर और नाक पे लगाते हैं। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप, कोई किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं। तो ये हमारी रही जल नीति, दोनों नाक से पूरे नौज की सफाई। इसके बाद रबर नीति भी आसानी से आप कर सकते हैं। नाक से रबर को डालना है और मुंह से निकाल के रब करना है, साइनस जैसे प्रॉब्लम के लिए बहुत ही फायदेमंद रबर। और अब हम नेक्स्ट क्रिया करेंगे द्योतकर्म शोधकर्म। पानी को मुंह में अंदर लेते हैं और नाक से उसको बाहर, ऐसे नाक से अंदर लेते हैं और बाहर चले। सबसे पहले हम पानी को, गुनगुने पानी को मुंह में लेते हैं और नाक से उसको एक बार फिर करते हैं। ऐसे ही हम नाक से पानी को अंदर लेंगे और मुंह से बाहर करेंगे। ये हमारी होगी जल नीति कर्म शोध। इसके साथ साथ अब हम हमारी लक्ष्य क्रिया वस्त्र धोते साथ साथ
जोर जोर से झटके के साथ सांस, जैसे हम कपालभाति करते हैं, वैसे ही हम इसको बाहर करने के लिए जो हमारे अंदर जमा हुआ पानी है झटके के साथ आप सांस छोड़ेंगे तो बाहर सफाई कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे वस्त्र धोती। हमारे गले की आहार नाली की टोटल सफाई के लिए किया जाता है वस्त्र धोती। उसके लिए यह वस्त्र होता है वस्त्र धोती, 3 अंगुल चौड़ा वस्त्र धोती होता है। इसको ऐसे फोल्ड करके रख, इसके साथ साथ गुनगुने पानी में पोट में इसको डाल दे पूरा। ये हमारा काउंट करने पे 12 फिट। और इसको एक साथ खाली पेट सुबह सुबह अगर करेंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खाली पेट मुंह में स्टार्टिंग में आप इसमें मीठा या शहद लगा के आप धीरे धीरे खा कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारा आमाशय है, आहार नाल है, पूरी इसकी जो है सफाई हो जाती है। इससे जितना भी मल रहता है, लिसलिसा पदार्थ रहता है, सब इसमें लिपट कर बाहर आ जाता है। तो कैसे करते हैं इस, ये है वस्त्र धोती, इसको कैसे करते हैं। कॉटन का कपड़ा होता है ये, पतंजलि की शॉप में आपको मिल जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे। एक पॉट ले लेते हैं, इस पॉट में गुनगुना पानी है, गुनगुने पानी में इसको हल्का नमक डाल के गुनगुने पानी में इसको हम डाल देते हैं। और इसके साथ साथ डालने के बाद थोड़ी देर रुकते हैं। जब ये गुनगुने पानी में डाला, जब ये थोड़ी देर 5 मिनट सॉफ्ट हो जाता है पानी में, इसके बाद इसको हम खाना स्टार्ट करते हैं। एक साथ श्वास हम नाक से लेते हैं, साथ में थोड़ा सा पानी रख लेते हैं। मान लीजिए अचानक अगर ये ऊपर सेट हो जाती है तो थोड़ा पानी पीकर उसको हम नीचे ऐसे पानी पीकर नीचे कर लेते हैं। एक साथ पूरे कपड़े को, ये हमने गलाया कपड़े को, अब खाना स्टार्ट करते हैं। उकड़ो बैठ जाते हैं, सामने रख देते हैं पॉट को और खाना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा कपड़े को खा जाते हैं। देखिए इसके बाद खाने के बाद नौली क्रिया करेंगे,
आपको अच्छा हो। इसको पूरा खाते हैं, खाने के बाद नौली क्रिया अगर आपको आती है तो थोड़ी नौली क्रिया करेंगे, पूरा अंदर जितना भी लिक्विड है, पित्त है, सब इसमें लपेट कर बाहर आ जाता है। आप आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़े दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, और आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। आपका वेट मेंटेन रहता है, इससे पूरे चेहरे में चमक आ जाती है और पूरा बॉडी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। नौली क्रिया भी सीख के, नौली क्रिया के साथ में इसको कर सकते हैं। कैसे करना है अगर आप सीखना चाहें तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हम आपको, आप मेरे पास कमेंट्स करिए, मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ईजी है, स्ट्रांग हो जाएगा आपका बॉडी, पूरा शरीर स्ट्रांग हो जाता है इसको करने से। चेहरे में चमक आ जाती, कोई भी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेल फीमेल कोई भी इसको आसानी से इजीली कर सकता है। पूरा आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ जाता है आपके शरीर का, आपका। आप भी करिए। अब आपको मैं दिखाऊंगा, नहीं इसको मैं वीक में एक दिन करता हूँ, संडे, हर संडे, संडे टू संडे इसको मैं करता हूँ। जब संडे को इसको करके बाहर निकालता हूँ तो पूरा इसमें ऐसा येलो कलर का पूरा फित इससे लपट के निकलता है, जो कभी नहीं करता होगा उसको, जो धूम्रपान करता है, गुटखे खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, उनके अंदर कितना ज़्यादा लिक्विड रहता होगा, कितना जमा रहता होगा। हम जबकि कुछ भी नहीं खाते और जब हम करते हैं तो हमारे अंदर इतना सारा निकलता है, तो जो रेगुलर खाता रहता है कुछ ना कुछ, उसके अंदर अगर इसको करेगा तो कितना निकलेगा, और वही व्यक्ति को फिर आने वाले समय में तरह तरह की बीमारियाँ पड़ेगी। अभी करिए, स्वस्थ रहिए और फिट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो मेहनत करके वीडियो बनाकर लेकर आते हैं, और आप एक लाइक, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।